नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जय जनशक्ति में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने भी किसी ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है जो कि आपको आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर इंस्टेंटली ऋण प्रदान कराती है, या आप ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का सोच रहे हैं, ये वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। कहीं से भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और गाइज, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए, अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। माय फ्रेंड्स, हम लगातार चाइनीज़ मोबाइल लोन एप्लीकेशन को लेकर के पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं, लगातार आपको अवेयर कर रहे हैं, लगातार आपको प्रोटोकॉल बता रहे हैं, और जितना हो सकता है हम गवर्नमेंट से भी कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। देखिए, चाइनीज़ मोबाइल लोन एप्लीकेशन के ऊपर पूरे तरीके से ईडी ने नकेल लगाई है, और इनका जो 6.7 करोड़ के समथिंग है वो पूरी तरह से सीज कर लिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज से 3 महीने पहले ये आपको क्लियर कट बता दिया था कि पूरी तरह से ईडी इनके पीछे लगा है, और 40 ऐसी NBFC हैं, एक में मैंने 87 बताया था वीडियो में, एक में मैंने 40 बताया था, जो कि पूरे तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जिनके संबंध पूरे तरीके से चाइना से हैं। अब दोस्तों, ये जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाया गया है कि देखिए, जो भी व्यक्ति ज़्यादातर इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति अप्लाई करते हैं जो ज़्यादातर बेरोज़गार होते हैं, जो कि छोटा छोटा इनसे 1,000-2,000 रुपये लोन ले लेते हैं, लेकिन जब उसका भुगतान करने में देरी करते हैं उनसे हाईएस्ट अमाउंट लिया जाता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट लिया जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ऐसा काम करती हैं कौन कंपनी करती हैं, सिर्फ और सिर्फ जो RBI से ऑथराइज नहीं होती, जो इलीगल एप्लीकेशन होती है, नहीं, ऐसा काम करती हैं जो अवैध एप्लीकेशन ना होते हुए भी पूरे तरीके से अवैध काम करती हैं, जिनको पूरे तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, फिर भी वो ऐसा काम करती हैं। आपको पता होगा एक कंपनी के बारे में, कैशबीन, जो कि पूरे तरीके से आतंक मचा रही थी, किस्त फाइनेंस भी पूरे तरीके से आज से 1.5-2 साल पहले आतंक मचा रही थी, लोगों को प्रताड़ित कर रही थी, उसके बाद में आकर के हमने खुली जंग की इनसे, और पॉइंट टू पॉइंट इनके रिकवरी एजेंटों की धुलाई की, और पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस बना करके आपको बताया क्या सही है क्या गलत है। जब जाकर के सरकार की भी आंखें खुली और आप लोगों ने FIR पर FIR दर्ज की, जब जाकर के अब इनके ऊपर एक्शंस पर एक्शंस हो रहे हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैंने अपना टेलीग्राम पर जो चैनल बनाया है उसका लिंक आपको पिन कमेंट में दे दिया है, आप उस आर्टिकल को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आखिर मामला क्या है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे बस की बात नहीं है कि एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊं पढ़ करके कि आज यहाँ पर ये हो गया, मैं आपको मोटी मोटी जानकारी देता हूँ, मोटी मोटी, और डिटेल के लिए आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर चले जाइए, वहाँ इस आर्टिकल का आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल का लिंक तो पिन कमेंट में आपको मिल ही जाएगा। अब के मेल्स काफ़ी कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि सर जी, उस मोबाइल लोन एप्लीकेशन के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, फिर दोबारा परेशान करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, बाकी कोई अगर वीडियोस बनवानी है तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से पूरी तरह से मैं आपको वीडियो बना करके अवेयर कर दूंगा, तो आप ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन भी मुझे दे सकते हैं, बाकी आप बाई ईमेल तो इन्फॉर्मेशन देते रहिए, लेकिन FIR मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके खिलाफ कराना। दूसरी चीज़, आप दोस्तों एक बात और मुझे बताइएगा, दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी और जानकारी चाहिए, मतलब और भी स्कैम हो उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वही बता सकते हैं, मैं उस पर भी बेहतर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं क्या इन लोन एप्लीकेशन का पूरे तरीके से खात्मा इसी साल हो जाएगा, आपको क्या लगता है।